नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी गर्म भी है भैया, काफी बुलिश है निफ्टी के मुकाबले, बिल्कुल उल्टी दिशा में है। तो उसके कंस्टिट्यूएंट की चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे एक एक बैंक को पकड़ के, जो मोटे मोटे बैंक है बैंक निफ्टी के, और एक दो के रिजल्ट भी हैं जैसे इंदुसिंध बैंक और कोटक बैंक। तो स्पेशली जो उसमें प्ले आउट करना चाहता है वो ध्यान से इस एनालिसिस को जरा देखें। तो शुरुआत करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर देखें, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें, और ऐसा ही कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। शुरुआत करते हैं दोस्तों बंधन बैंक से। बंधन बैंक को आप देखेंगे तो पीछे इसमें काफी जबरदस्त रैली आई 3-4 दिन में, और अच्छी वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी भी हुई। आप यहाँ देखेंगे तो लगातार 3 दिन इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम में डिलीवरिंग भी बाई हुई और खरीदारी हुई। तो ये अभी पर्टिकुलरली इसने जो ब्रेकआउट दिया था, ध्यान से समझिए, ये इसने जो ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये जो जोन था इसको रीटेस्ट किया, ये इसका ब्रेकआउट जोन है ये, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट जोन है, इसको इसने पिछले 2 दिन में रीटेस्ट किया है। अगर ये इसी के ऊपर बना रहता है, ठीक है, अगर ये इसी के ऊपर बना रहता है, इट इज ए बाय, सिंपल। तो या तो आप 2 चीज कर सकते हैं इसमें, बंधन बैंक में इसको 325 से ऊपर जब चले बाय कीजिए, एसएल लगा लीजिए कोई भी क्लोजिंग इसकी 312 के नीचे करंटली, ठीक है, या फिर यहीं से आप बाय कर सकते हैं, तब आपका एसएल, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, या तो आप इसको 325 से जब ऊपर बाय करें तब एसएल लगा लीजिए 320 के नीचे कोई भी क्लोजिंग, 325 के ऊपर चलेगा इट मींस ब्रेकआउट जो दिया है उसको सस्टेन कर रहा है और तेजी दिखा सकता है ऊपर, 340 का स्तर इसका अगला टारगेट है। तो 325 के ऊपर जब आप बाय करेंगे तो आपका एसएल हो जाएगा 320 के नीचे कोई भी क्लोजिंग, या फिर आप इसको अगर यहीं से बाय करके चलते हैं तब आपका एसएल है भैया 312 के नीचे कोई भी क्लोजिंग, सॉरी 311 का लेवल वैसे निकल के आ रहा है, बट आप हाल्फ इसको ले सकते हैं कि भैया 312 के नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है तो मैं निकल जाऊंगा। इसको इसी लेवल पे करंटली आप बाय करके चल सकते हैं। आपका बंधन बैंक थोड़ा सा बुलिश है, हो सकता है 1-2 दिन और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बट अल्टीमेटली इट हैज गिवन ए ब्रेकआउट, टिल द टाइम इट इज सस्टेनिंग अबव लेवल 315 इट इज बुलिश। जब तक 315 के ऊपर है तो इसको ये कहीं से भी मंदा नहीं है, तेजी का घोड़ा ही है, जब तक 315 के ऊपर है ये याद रखिएगा। तो ये जो ईएमएस है 10-20 ये थोड़े से और ऊपर आ जाएंगे तो ये मेरे को लगता है 1-2 दिन कंसोलिडेट ही करेगा, या फिर बजट में कुछ हुआ तो भैया रॉकेट हो जाएगा। बंधन बैंक में बाइंग भी उसी हिसाब से दिख रही है। अगला जो बैंक है जो सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा जिसने रैली दिखाई है पिछले 2 से 3 दिन में, ये है आपका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको 540 तो जाना चाहिए, इसमें आप एसएल लगाइए यहाँ पे, ये जो लाइन में खींचने वाला हूं ये रहेगी आपका एसएल, इसके 515 बिलो क्लोजिंग का आप लगाइए एसएल, करंटली 523 चल रहा है और इसको बाय करके ही चलना है 540 और 560 के लिए। इसका करंटली चार्ट भी यही बोल रहा है, बिल्कुल बुलिश पैटर्न है, 10 EMA 20 EMA 50 EMA सबके सब ब्रॉडर व्यू अपना देके तेजी की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर ये मेंटेन रहता है 515 के ऊपर ही रहता है तो 1-2 दिन शायद कंसोलिडेट करे, अदरवाइज ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। कोटक बैंक का रिजल्ट आया दोस्तों, कोटक बैंक की कैंडल अच्छी नहीं है आप देखेंगे तो, ऊपर से आके नीचे की तरफ एक डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी नहीं कह सकते इस कैंडल को क्योंकि थोड़ी सी बॉडी है इसमें, इन्वर्टेड नहीं भाई, हैमर कहाँ से, हैमर तो डाउन ट्रेंड में, ये आपका शूटिंग स्टार अच्छा खासा जैसे ऊपर से कोई तारा टूटता हुआ हो। इसमें आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर कोटक बैंक 1900 के ऊपर ही रहता है, 1900 के ऊपर ही रहता है, इसको बाय करके चलिए, एसएल आपका रहेगा ये 1880 क्लोजिंग बेसिस पे 1880 आपका एसएल रहेगा। बंधन बैंक में भी आप बाय करके चल सकते हैं, अच्छी खासी इसमें भी वॉल्यूम के साथ 3 दिन खेला हुआ है, आपको दोबारा से 1940 1960 के करीब आता हुआ मिलेगा, और एक ये इसका रेजिस्टेंस जोन है,
जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, कोई भी क्लोजिंग इसकी 1960 के ऊपर आ जाती है तो दोबारा से आपको 2000-2050 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये आपका है कोटक बैंक, और रिजल्ट का बेसिस है वो है सब चीजें है, तो बट 1880 का लेवल टूटता है तो आपको सेल करना है, फिर आपका टारगेट 1850 है, ये जो 200 ईएम है। अगर 1880 टूटता है तो ये कोटक बैंक पे आप नजर बना के रखिएगा, 1880 टूटे सेल कीजिए, 1900 के ऊपर ही बना रहे तो बाय कीजिए, दोबारा से ये जो टॉप लगा है इसके आसपास जाता हुआ आपको कोटक बैंक दिख सकता है। अगला बैंक है दोस्तों आपका, जिसने बहुत ही अच्छा किया है पीछे, एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक ने ये जोन का ब्रेकआउट दिया है सिमिलरली जैसे बंधन बैंक ने दिया है, तो ये भी इसको रीटेस्ट ही कर रहा है, ये देखिए। तो इसमें भी आप बाय करके ही चल सकते हैं, एसएल रहेगा आपका कोई भी क्लोजिंग 750 के नीचे आती है, ब्रेकआउट दिया ये देखिए, ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, अब ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, तो कोई भी क्लोजिंग 750 के नीचे आती है वो है आपका एसएल, और यहां से आप सीएमपी पे इसको बाय कर सकते हैं 764, और आपके ऊपर के टारगेट इसमें सबसे पहले ये और दूसरा ये, तो 800 और 820 ये आपके ऊपर के लिए टारगेट रहेंगे, ठीक है। इन केस 740 टूट जाता है, याद रखिएगा, इन एनी केस 740 ब्रेक हो जाता है, 739 में से लेवल निकल के आ रहा है, ये ब्रेक हो जाता है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं, तब आपका टारगेट है 740 के ब्रेक होती, ठीक है, 740-735 करेक्ट लेवल ये आएगा भाई, ये है 735 है दोस्तों, काफी फर्क हो जाता है 740 में से, बट अगर 735 टूटता है तो अगेन इसको आप सेल कर सकते हैं, तब आपका एसएल हो जाएगा फिर ये वाली लाइन जो कि यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, फिर ये वाली लाइन आपका एसएल हो जाएगी 750। ऊपर से आप बाय में रहिए, इस जोन के ऊपर बाय में रहिए, ये वाली लाइन आपका एसएल है, इस जोन के नीचे आता है सेल में रहिए, ये वाली लाइन आपका यहां से भी क्लोजिंग बेसिस एसएल, सिमिलरली नीचे की तरफ यहां तक के टारगेट है 690-685, ऊपर की तरफ पहला टारगेट 785, दूसरा टारगेट 800, तीसरा टारगेट 820। एक्सिस बैंक में ये आप प्ले कर सकते हैं, एक्सिस बैंक का पैटर्न बुलिश है और इसने ब्रेकआउट भी दे देगा, अगर 780 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये ब्रेकआउट देने का भी दमखम रख सकता है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कवर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ दिख रहा है भाई, एक मिनट लगेगा दोस्तों, बट काम अपना जो है पक्का हो जाएगा, काम जब करो तो पक्का करो, है ना। तो ये है भाई आपका एक्सिस बैंक की पूरी कहानी, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और अगर इस चैनल के मतलब 780 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है एक्सिस बैंक में तो 720-850 तक जाने का दमखम रखता है, 850 तक अगर 780 को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज दे देता, तो एक्सिस बैंक पे नजर बना के रखिए, ठीक है। थोड़ा इसकी वॉल्यूम भी देखें एक बार अच्छे से, ये बाइंग तो अच्छी खासी हुई है दो दिन इसमें, मोर देन एवरेज, एवरेज बाइंग से ज्यादा बाइंग हुई है, वो भी एक बार देख लेते, करेक्ट, ये देखिए एवरेज जो है पिछले 20 दिन का उससे ज्यादा बाइंग हुई है यहाँ पे, और सात सेवन
785 है आपका ब्रेकआउट का लेवल एक्सिस बैंक में। तो भैया इस पे नजर बना के रखिए एक्सिस बैंक पे, इसको तो मैं ट्रैक लिस्ट में डाल लेता हूँ। ये है तेजी का घोड़ा अगर ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप अपराइजिंग चैनल है, नीचे की तरफ कहीं मिले बाय कीजिए, ऊपर की तरफ कहीं मिले तो सेल कीजिए। बट फिलहाल इसने इस ये जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है इसका ब्रेकआउट दिया था, और ये चैनल में ये अपर साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे वॉल्यूम ग्रीन साइड बहुत जबरदस्त है दो दिन का, तो इसको ट्रैक लिस्ट पर रखिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है 785 के ऊपर क्लोज होकर, इसको बाय करिएगा 820-840 तक के लेवल एक्सिस बैंक दिखा रहा है। अब आते हैं इंदुसिंध बैंक। इंदुसिंध बैंक तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, ये नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी जब तक 925 का स्तर पार नहीं होता, 903 के करीब ये क्लोज हुआ है, 925 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं होता, ये है इसका रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, तो 925 के ऊपर अगर होल्ड होता है यहाँ पे, तो लेवल क्या है ये 920 है, सॉरी 920 के ऊपर रहता है तो बाय करके चलिए, 920 के ऊपर रहता है बाय करके चलिए, 900 का लगाइए SL, ठीक है, 900 का लगाइए SL, 920 के ऊपर बाय करिए, आपका टारगेट 960 है, बस ये है आपका, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 960 पे इंदुसिंध बैंक। सेल साइड का ट्रेड फिलहाल ना देखें जब तक 880 नहीं टूटता, और मुझे फिलहाल 880 लग नहीं रहा कि इंदुसिंध बैंक में फिलहाल 880 टूटे। चलिए ये हो गया आपका इंदुसिंध बैंक, आगे चलते हैं फिर हम ICICI बैंक पे। ICICI बैंक में दोस्तों इतना कुछ मतलब चार्ट तो वैसे इतना ठीक नहीं है इसका, 770 अगर ब्रेक करता है तो ये सेल साइड का घोड़ा है भाई, सिंपल। 770 अगर ब्रेक करता है तो ये सेल साइड का घोड़ा है, 740 के टारगेट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं 770 ब्रेक करते, बाय जब तक ना करें जब तक 810 के ऊपर ना चले, 810 के ऊपर जब तक ना चले तब तक बाय ना करें, अदरवाइज ये यही खिचड़ी पकाता रहेगा, इसमें कुछ होने नहीं वाला, इसके ऊपर ही बाय करें इसके नीचे सेल करें, ज्यादा कुछ खास ICICI बैंक में फिलहाल है नहीं। आगे आते हैं सबके पिताजी इनके, ये है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक में जो तेजी हुई वो एक ही दिन में इसने यहाँ पे दोबारा खोदी, और HDFC बैंक का चार्ट भी अच्छा नहीं है भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब तक ये 1520 इसके ऊपर क्लोज ना करना शुरू करे, कतई बाई साइड का घोड़ा है ही नहीं, HDFC है ही नहीं, नीचे जाने के लिए बेताब बैठा है, चार्ट तो ये दिखा रहा है, मैं आपको सही बता दूं, ठीक है। ये देखिए आप, मतलब एक 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 EMA, 10 EMA सबसे नीचे, 20 EMA उसके नीचे, 200 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, सारे के सारे EMA इसके नीचे फॉलिंग तरफ है, ऊपर से बेकरार है बिल्कुल, ये आप यहाँ देख लीजिए, ये पैटर्न ना टूट जाए, मुझे तो इस चीज का डर, ठीक है, ये पैटर्न ना टूट जाए, 1400 बिलो क्लोजिंग होते ही ये पैटर्न ना टूट जाए, तो बट फिलहाल तो नहीं लग रहा, पर चलिए दोस्तों देखते हैं। दिक्कत क्या है, चलो थोड़ा एनालिसिस लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं, सारी चीज मिटा देता हूं आपके सामने, एक ही चीज शेयर करता हूं, ये जो बाबूजी ये लाइन दिख रही है ये है आपकी 200 EMA, ठीक है, ये समझ लीजिए जब तक इसका सहारा लेके कोई ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, रिलायंस का चार्ट भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे, पर यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, फिर कुछ देर टिका, फिर कुछ ऊपर गया, बट फिर ब्रेक कर दिया, तो अब ये 200 EMA के जब तक नीचे रहेगा ना तब तक भैया ये बाय का घोड़ा है ही नहीं, कहते डिलीवरी बाय का भी घोड़ा नहीं, मैं आपको कायदे से बता दूं, जो स्विंग ट्रेड के लिए डिलीवरी बाय करते हैं ना उसका भी घोड़ा नहीं है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस से बात कर रहा हूं, उस हिसाब से तो बैंक बहुत अच्छा है, आपको बाय करना है जबरदस्त बाय कीजिए, पर इसमें अगर ये जोन टूट गया जिसकी ये बार बार जहां मैं अभी मार्क करने वाला हूं ये, तो बहुत ही बड़ा कष्ट हो जाएगा,
बस ये देख लीजिए, ये जब तक इसके ऊपर है तब तक तो सही है, ठीक है, पर जैसे ही अगर ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, यहां पे भी इसने ये हेड एंड शोल्डर टाइप बचा लिया था, आप ध्यान से देखेंगे ये, ठीक है, ये बचा लिया था इसने। अब सिमिलरली यहां पे फिर से वही फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, ये देखिए, तो इसको देख के रखिएगा दोस्तों, हालात तो जो है एचडीएफसी बैंक के ठीक लग नहीं रहे चार्ट को देख के, मैं कोई बैंक के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का स्टॉक्स का एनालिसिस, इनकेस आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।